हेलो हेलो हेलो, जी, तारिक साहब, कौन आप? राहिल खान बोल रहा हूँ, लखनऊ से। कहाँ लखनऊ से राहिल खान बोल रहा हूँ। बोले, तारिक साहब, पहले तो ये बताइए कि ये आपने कॉलर ट्यून कौन सी लगाई है कि मैं उनका पीए बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे साहब। क्या बोल रहे मैं कह रहा हूँ, जो आपने कॉलर ट्यून लगाई है इसमें वो बोल रहा है, देख भाई मैं उनका पीए बोल रहा हूँ साहब, थोड़ी देर में कॉल रिसीव करेंगे, भाई? हाँ, तो आप कहीं मिनिस्टर हैं क्या? क्या बोल कहीं मिनिस्टर हैं क्या? अच्छा, रहे हैं? मैं तो नहीं हूँ भाई। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, दे रहा ना ये मसला के देवबंद से ताल्लुक रखते हैं? देवंदी देवबंदी है ना, फिर क्या है? से? सुननी है? अशरफ अली थानवी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं? पक्का? कोई हमने तो आपकी एक रिकॉर्डिंग सुनी है, आप मसलके उलेमाए देवबंद को जो है आप दिफा कर रहे थे उनका, ताल्लुक दिफा कर रहे हैं, डिफेंड। नहीं? अरे हमने सुनी है अपने कानों से, क्या अब्दुल्ला भाई से बात कर रहे थे आप, मसलके देवबंद से आप मानने वाले हैं और अब आप कह रहे हैं आप देवबंदी ही नहीं है, दिस इज वेरी बैड। अब्दुल्ला? कौन अब्दुल्ला? अब्दुल्ला भाई मुंबई वाले। अच्छा, आप लखनऊ हाँ, तो मानते हैं थानवी साहब को, नहीं मानते? मानते हैं ना थानवी साहब को आप? बोलिए। नहीं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या, होगा क्या यार, मानते हैं तो कहिए हाँ, नहीं मानते कहिए नहीं मानते। हाँ, अशरफ अली हम क्यों माने, बताइए। अशरफ अली थानवी साहब आपके काबिरों में से नहीं है? हाँ, काबिल तो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, और मानना किसे कहेंगे, वह आप कैसी बात करते हैं, मानने का मतलब यही तो, आपके काबिरों में से हैं, आप मानते हैं, तस्लीम कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, तो मुझे, मैं आज उनकी किताब पढ़ रहा था, बहिश्ती जेवर, मेरे सामने हाथ अच्छा हत्ते चढ़ गई, तो जिसके घर में बैठा पढ़ रहा था वो एक देवबंदी हजरात का घर था, तो मैंने उनसे पूछा ये किताब कहाँ से लाई, कहने लगे हमारी बीवी को जहेज में मिली थी और हमारे वहाँ प्रथा है कि ये किताब दी जाती है लड़की को जहेज में, अच्छा दी जाती है, ऐसी प्रथा है कोई? तो ऐसा है, वो तो कह रहा था। बहरहाल नहीं अच्छा चलें, तो इस किताब में जो मैंने पढ़ा, जो चीज काबिले गौर करी, वो सफा नंबर 736 पे लिखा था कि तलाए देखा तलाए नहीं मकवी आसाब है। और अजवाए में दराजी और फरहाबी लाने वाला, मतलब जो आपका अजवाए तनासुल है उसमें दराजी लाने के लिए एक नुस्खा लिखा है, लिखा है चूंटे यानी कि चीटे बड़े बड़े 7 अदद कब्रिस्तान से लाएं और एक एक को मारकर फौरन 2 तोला रोगन चमेली खालिस में डालते जाएं, फिर शीशी में करके काग मजबूत लगाकर यानी कि ढक्कन मजबूत लगाकर 1 दिन और 1 रात बकरे की मेंगनियों में दफन करें, फिर निकाल कर खूब रगड़ें कि चूटे तेल में हल हो जाएं, फिर नीम गरम मलें। तरकीब मलने की यह है कि पहले अपने अजू को एक मोटे कपड़े से खूब मलें, जब सुर्खी पैदा हो जाए फौरन ये तेल मलकर छोड़ दें, 15-20 रोज ऐसा करें। ये बहिश्ती जेवर की सफा नंबर 736 पे लिखा है। तो मेरा सवाल ये था, क्या नहीं समझे, ये एक पूरा मतलब एक हकीमों का नुस्खा लिखा है कि जो अजवाए तनासुल होता है, आलाए तनासुल समझते हैं ना, आलाए तनासुल किसे कहते हैं, लैंडर किसको किसको? को बताओ। नहीं आपने किसको कहा? अरे किसको कहा बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? अजवाए तनासुल आपकी पेशाब की जगह जो मर्दों की होती है। हाँ वही कह रहा हूँ तो गलत अल्फाज गंदा इस्तेमाल किया था ना, तो उसको लंबा करने की इन्होंने नुस्खा लिखा है कि 7 चीटे कब्रिस्तान से लाइए और उनको 2 तोला रोगन चमेली खालिस में डाले, उसके बाद शीशे में करके मजबूत ढक्कन लगा के 1 दिन रात हेलो बकरे की मेंगनियों हेलो में दफन कर दें। हेलो हाँ हेलो हेलो,
थोड़ा मेरा बात सुनिए, ठीक है? हाँ सुना दो। आप मेरे पास फोन क्यों किए हैं, क्या मकसद है बताइए, सीधी सीधी बताइए जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, पहले थोड़ा करीब फोन के आ जाए। कह रहा हूँ कि मेरे पास फोन क्यों किए हैं, मकसद क्या है आपका, बस सीधी सीधी बताइए। अशरफ अली थानवी और गंगोही, मौलाना अशरफ मदनी, मौलाना कारी जमील, मौलाना इलियास गुम्मन को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है? आप मेरे पास फोन क्यों किए हैं, सीधी सीधी बताइए, ठीक है? इसलिए फोन किया था क्योंकि आप देवबंदी हैं और आप ही की किताब में ये मसला लिखा हुआ है और लड़की को ये किताब दहेज में दी जाती है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया, जिस चीज का इलाज लिखा है वो चीज लड़की के पास तो होती ही नहीं है, तो फिर लड़की को देने वाली उस किताब में ऐसा गंदा इलाज क्यों लिखा है? आपको कौन कहा दहेज मिलती है? अरे हमने देखा है, पूछा है, तुम्हारी किताबों में लिखा है कि बहेजती जेवर दी जाती है। दहेज की बात हो रही ना, कौन आपको बताया कि दहेज में किताब दे रही है? उन्होंने बताया था, मुन्ना भंगारी ने। वो ऐसे बोले होंगे, मुन्ना भंगारी कह रहे थे। हाँ वो ऐसे बोले होंगे, ऐसे नहीं कह रहे थे यार। अच्छा चलो छोड़ो, ये बात छोड़ो। अच्छा ये बताओ, इसमें लिखा है कि सात बड़े बड़े चींटी पकड़ के लाए, चूटे, चींटी भी नहीं, चूटे, चूटे मतलब समझ रहे हो, चीटा जिसे कहते हैं, चींटी से बड़ा होता है। हाँ चीटे से बड़ा होता है, तो कह रहे हैं उसे चुरुक माटा भी कहते हैं, लाल कलर का होता है, पेड़ों पर रहता है गांव देहात में, काला कलर का चीनी में रहता है। हाँ काला कलर का चूटा होता है। तो इसमें लिखा है सात बड़े चूटे सात अदद कब्रिस्तान में से लाएं, तो मेरा सवाल ये कब्रिस्तान में से ही क्यों लाएं? कौन चीटे और कौन? हेलो, हाँ कब्रिस्तान से ही चीटे क्यों लाएं? और इसके आगे कुछ लिखा भी होगा ना? बस इतना ही लिखा है, कहो तो इबारत भेज दे भैया, बस जुमला खत्म है। हाँ लिखा है तलाए मकवी आसाब और अजुए में दराजी और फराबी लाने वाला, चूंटे बड़े बड़े सात अदद कब्रिस्तान में से लाएं और एक एक को मार मार कर फौरन दो तोला रोगन चमेली खालिस में डालते जाएं, फिर शीशी में भर दें और एक दिन एक रात बकरी की मेंगनी में दफन कर दें। तो हमने पूछ रहे हैं हम कि ये कब्रिस्तान से ही सात चीटे क्यों लाए? वो लिखा होगा चूटी इधर उधर नहीं मिलती है, कब्रिस्तान में मिलता होगा इसीलिए वहाँ लिख दिया। वाह बाबू, ये कौन सा चीटा है जो सिर्फ कब्रिस्तान में मिलता है, खेत में कह देते, जंगल में कह देते, कुएं के पास कह देते, कब्रिस्तान ही का है भेज रहे हैं? कब्रिस्तान में ज्यादा मिलता है इसीलिए कब्रिस्तान में। हमें कहे कब्रिस्तान में कहे ज्यादा मिलेगा, खेत वेत में ज्यादा नहीं मिलता? नहीं मिलता ना, इसलिए कह रहे थे जहां तक मेरा ख्याल है कि कब्रिस्तान में जाएंगे, वहां उनके दादा जान की कब्र होगी, वो कब्र से मिठाई बढ़ा के देंगे और मिठाई जब लेके फिर अशरफ अली थानवी साहब के घर में दे दी जाएगी। अच्छा। ये अपने फायदे के लिए कब्रिस्तान भेज रहे थे। वो आपके मन में कह रहा ना? मेरा मन नहीं कह रहा, अरवाहे सलासा में लिखा हुआ है किताब में, थानवी साहब के दादा। आपका मन कह रहा है ना? हाँ मेरा मन कह रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कह रहा है, कोई वजूहात है तब कह रहा है, क्योंकि अरवाहे सलासा गालिबन किताब का नाम है, उसमें लिखा है अशरफ अली थानवी के दादा साहब मरने के बाद ये नाना है दादा साहब कब्र से मिसल जिंदा तशरीफ लाए घर। हैं? हेलो, हाँ भाई सुनिएगा, हैं अच्छी तरह ये बताइए। हाँ आवाज पहले थोड़ा साफ बोलिए फिर बताएं। कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान अपना बुराई क्यों नहीं करता, पहले बताइए। कोई भी इंसान अपनी बुराई क्यों नहीं कर पाता? हाँ चलिए आप करिए फिर, देखें कैसे आप, हम भी देखें कैसे नहीं कर पाता है, मुझे यकीन है आप करेंगे अपनी बुराई, करिए आज ये भ्रम तोड़िए लोगों के दिलों से कि इंसान अपनी बुराई नहीं कर पाता, आप कहिए अपनी बुराई करिए। आप लोग हमारे बुराई कर रहे हैं ना, फिर आप लोग अपने अंदर क्यों नहीं झांक के रखते हैं हमारे अकादे में क्या लिखा है? अल्लाह अरे यार अल्लाह अकबर, हमने कौन सी बुराई कर दी, हमने तो ये आप ही की किताब का एक पेज बताया, दूसरी किताब का दूसरा पेज बताया, इसमें बुराई कैसे हो गई, यानी कि बुराई आपकी किताबों में लिखी है। हाँ सात चीटे कब्रिस्तान से ही क्यों लाए जाएं? हाँ अशरफ अली थानवी जो लिखा है खबर में, वो लिखा है जो आपके पेट में दर्द जग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, जो गलत चीजें लिखेगा अनसंड बंड दर्द होगा उस्ताद। अब वो लिखते हैं कि सहरा पहनना शिर्क है, बहिश्ती जेवर में लिखते हैं सहरा पहनना शिर्क है, अब बताओ सहरा पहनना शिर्क कैसे हो जाएगा यार, बता सकते हो? लड़का से पहनता है,
हाँ सेहरा लड़का पहनता है। लड़का पहनता है। अच्छा अम्मा हाँ, लो शादी में तो पहनेगा, और किसी की मैयत में तो जाएगा नहीं सेहरा पहन के। चेहरा पहनना तो सिर का तो नहीं पड़े भाई, बैठी दौर में चेहरा तुम्हें आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा करीब आओ ना फोन तो के। हाँ चेहरा पहनना तो नहीं सुने, बैठी दौर में सिर का तो कह, हाँ बहश्ती जेवर में लिखा है सेहरा पहनना शिर्क है, कौन सा फॉर्म लिखा बताइए। जिल्द दो में लिखा हुआ है। जिल्द दो में तो सिर का कोई बातें नहीं लिखा है, अबे इसमें लिखा है सेहरा पहनना शिर्क है। पहलू में लिखा है, मतलब अच्छा पहली में लिखा है। वो सेहरा पहनना नहीं लिखा है, सिर हाँ को बिदा दिया सब है ना, जो मसला है वो पहलू में ही लिखा है। हाँ अच्छा हाँ पहली में लिखा है, चलो यानी कि तुमने पढ़ी है, ये तो जस्टिफाई हो गया। तो शिर्क व बिदअत का बयान दूसरे है, में तो बाब का नाम है शिर्क व बिदअत का बयान। हाँ, हाँ तो उसमें लिखा है सेहरा पहनना शिर्क है, तो उस्ताद सेहरा कैसे पहनना शिर्क हो गया? चेहरा पहनना तो ठीक तो नहीं है भाई, हम तो पढ़े हैं लेकिन जैसी खबर। तुमने पहना था, हाँ पढ़े हैं हम, पढ़ा है तुमने? मतलब पढ़े हैं दोनों, बेस्टी जबर की पहली हिस्सा पढ़े, बेस्टी जबर की दूसरी हिस्सा भी पढ़े हैं, लेकिन हाँ नहीं तो सेहरा पहनना चेहरा शिर्क पहनना तो सिर्फ शिर्क नहीं है कि लिखा नहीं है, है? नहीं लिखा है ये चेहरा पहनना लिखा है सिर्फ। यार, तुम लोग कैसे आंधर वांधर हो का यार। हम तुमको भेजे स्कैन, आ भेजिए तो हम तुम्हें भी स्कैन भेज के फिर कॉल कर रहे हैं। ठीक। ओके।